हेलो दोस्तों, वेलकम जी, क्या हाल चाल, फिर वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं शिमला में हूँ, क्वीन ऑफ हिल्स में। और अब यहाँ पे भी एक बड़ा ही मेन इवेंट होने वाला है, इंटरनेशनल समर फेस्टिवल, जो कि 1 जून से 4 जून तक होता है। तो सोचा यार कि एक बार देखाएं भाई स्टेज वगैरह सब सही लग जाए कि नहीं, तो चलो चलते हैं। फिर मेरा यही रास्ता है, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे तो आजकल जो टूरिस्ट यूज़ करते हैं ना लिफ्ट, जो कॉम्प्रमेर के साथ ही होती है, होटल के साथ है, उसका मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। और अब मैं जाता हूँ भाई यहाँ से, ये जो सामने आपको दिख रहा है आजीविका भवन, यहाँ पे खुली है तिब्बतन मार्केट, और इसी लिफ्ट से मैं सीधा लोअर बाजार पहुँच जाता हूँ। बाकी अगर आपको मौसम का अपडेट जानना है तो मौसम आजकल कभी धूप कभी छांव है, कभी बारिश है, और बारिश भी कभी कभी तेज़ हो जा रही है, तो शाम शाम को हल्की ठंड हो जा रही है। अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं तो हल्की पतली स्वेटर्स और पतली जैकेट्स लेके आएँ, शाम शाम को ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये पहुँच गए जी हम तिब्बतन मार्केट की छत पर, अब यहाँ भी रश होता है। अब यहाँ से सीधे चलते हैं हम ऊपर लोअर बाज़ार, और लोअर बाज़ार से चलेंगे मॉल रोड। ये देखो जी शिमला का मेजर सपोर्ट सिस्टम, यहाँ के जो खान और बहादुर हैं भाई, यही यहाँ से दूसरी स्ट्रगल शिमला की सीढ़ियाँ चढ़ाइयाँ। हालांकि बंदा फिट तो रहता है वैसे इससे यार, ऐसा नहीं है, चलने से है तो अच्छा, पर कभी कभी मन नहीं होता चलने का। मैं तो टूरिस्ट को देखता हूँ जो बहुत ही बुरी तरह हाँप रहा होता है शिमला आके, पर इसमें भी अपना ही मज़ा है यार। अगर यहाँ गाड़ियाँ चलती होती ना, फिर मज़ा ही नहीं आना था चलने का। यहाँ कम से कम ये सुख है कि रिज पे शोर शराबा नहीं होता बिल्कुल नहीं, मतलब हॉर्न वगैरह कुछ नहीं, चुपचाप चले रहो खुले में अपने। ये ब्यूटी है बस शिमला की। चलो यारो, बस ऑलमोस्ट ना पहुंच ही गए रिज पर, देखें जरा क्या नज़ारे हैं ऊपर के रिज के, और कैसा लगा है स्टेज। ये लो जी, कर लो फिर दर्शन, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है चर्च ना। तो यहाँ पे इस बार आने वाले हैं हारमनी ऑफ पाइंस, जो हमारा पुलिस बैंड है, जो काफ़ी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर चुका है और काफ़ी अच्छा नाम कमा चुका है वो। और सतिंदर सरताज हमारे पंजाबी सिंगर है, बहुत शानदार गाते हैं अभी, और साथ में पहाड़ी सिंगर्स तो हैं ही हमारे, जो एंटरटेन करेंगे आपको फुल ऑन। यार ये देखो बारिश पड़ रही है मेरे ऊपर, यार समझ नहीं आता इस बारिश का भी। मैं सोच रहा हूँ इस बार 1 से 4 तक है समर फेस्टिवल, और 3 तक बताई हुई है वैसे बारिश अभी, तो पता नहीं यार कहीं मतलब नष्ट ही ना हो जाए कहीं समर फेस्टिवल, अच्छे अच्छे सिंगर्स भी आ रहे हैं। बारिश देखो यार क्या सही हो रही है। अच्छा फिर टूरिस्टों से ये भी गुजारिश है यार कि अपने छाते साथ लेते आना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जो समर फेस्टिवल है ना आपका, मतलब छाता पकड़ के ना देखना पड़ेगा यहाँ आपको, क्योंकि भाई छाता तो हम लेके आ ही रहे हैं, आजकल पता ही नहीं लगता कब बारिश हो जा रही है। साथ में अब ये जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, तो रिज पे जो अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे छत पे एग्जीबिशन भी लगी हुई है और काफ़ी कुछ खाने का इंतजाम भी है। तो चलो फिर आपके मुंह में पानी लाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा वहाँ भाई बड़ी अलग अलग चीज़ें बन रही हैं बहुत सारी। अच्छा आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे पार्क था जो इसके पीछे ग्रिल थी और 5 रुपये एंट्री लगा करती थी, भाई ग्रिल दी है तोड़ इन्होंने अब, तो फिलहाल फ्री में जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखो नज़ारा फ्री का, यही रास्ता नीचे मॉल रोड की तरफ कनेक्ट करता है, और अच्छे अच्छे पार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे जहाँ बैठ सकते हैं अब। ये देखो नज़ारा, क्या ही ब्यूटी लग रही है शिमला। तो मुझे ना यार, मेरे एक दिल्ली के सब्सक्राइबर हैं, उनका एक मैसेज आया था कि भाई आपने मुझे नहीं बोला मैं आपको गफार मार्केट ले चलता, भाई थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे मिलूंगा भी और शूज़ भी ले लेंगे, पर फिलहाल के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो आ गया है, ये रहा शूज़ भाई। लो जी फिर ये सामने राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हो ना आशियाना गुफा, एक ही रेस्टोरेंट है जो रिज पे है, उसके साथ बैठ के मैं अपना टाइम किल कर रहा हूँ गेटी थिएटर के सामने। मज़ा आता है यहाँ क्योंकि हजारों लाखों नए चेहरे दिखते हैं आपको हर रोज, रिपीट तो होते नहीं है, टूरिस्ट आते ही रहते हैं तो बोर नहीं होते, बस यहाँ बैठ जाओ और देखते रहो। तो जी पहुंच गए एग्जीबिशन में, मैंने बोला था ना आपको साथ में जो कॉम्प्लेक्स है अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसकी छत पे लगी हुई एग्जीबिशन, तो ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, सलाद बनाने वाली मशीन, साथ में आपके सूट हैं, और खाने पीने का काउंटर भी उस साइड लगा हुआ है, वो भी आपको दिखा दूंगा, अचार है, पता नहीं क्या क्या है। तो मतलब आप आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग भी छोटी मोटी यहाँ मिल ही जाएगी।
चलो फिर एक चक्कर लगवा देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। अगर आपकी पसंद का हो तो आप यहाँ के ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि समर फेस्टिवल एटलीस्ट जब तक एंड नहीं होता तब तक वो शायद ही रहने वाले हैं यहाँ पे। यार डिश पहचानी, आपने बताओ जरा सामने जो रखी है क्या है। हमारे हिमाचल की डिश तो है नहीं है, पर मुझे बताओ ये कहाँ की डिश है और इसको क्या बोलते हैं भाई। मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। मैं ना बड़ी देर तो इसका नाम ही याद करता रहा पहले, फिर मैंने सामने पढ़ा तो मुझे ध्यान आया। ये देखो जी यार, ये जलेबियाँ ना, मैंने अलग ही लेवल की जलेबियाँ देखी हैं, कुछ अलग ही बड़ी। हमारे यहाँ ऐसी जलेबियाँ नहीं बनती, मतलब यहाँ का फूड है ही नहीं। और ये देखो कुल्फ़ी तो खैर आम है यहाँ पर शिमला में इतनी नहीं मिलती क्योंकि यहाँ ठंडी रहती है तो ज़्यादा चलती नहीं है कुल्फ़ी फालूदा, पर ये भी आया हुआ। और ये देखो, ये मैंने अलग चीज़ देखी है पहली बार भाई, अलग ही है कुछ। ये रोल आइसक्रीम का पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये मैंने ट्राई तो नहीं करी क्योंकि मेरा गला ख़राब हो जाता है इन चीज़ों से, पर आपको दिखा रहा हूँ कि अभी है यहाँ पे, आप ट्राई कर सकते हो। ये जो भी घुमा रहे हैं ना हाथ से अपने, और भी हैं फूड के काउंटर्स यहाँ पे। आइसक्रीम रोलर है कुछ, ये कुछ तो बनाते हैं भाई इससे। चलो भाई, तो आया पानी मुंह में कि नहीं ये बताओ। अब जब भी आओगे बिल्कुल सामने लगी हुई एग्जीबिशन यहीं पे खा पी के आनंद भी लेना, वादियों का आनंद भी लो, और अगर एक से चार के बीच आ रहे हो तो समर फेस्टिवल का आनंद भी लो, उसमें अलग ही मज़ा आएगा आपको। अब मैं तो चल पड़ा हूँ वापस सीधा, क्योंकि मौसम देखो बारिश हो रही थी ना, देखो थोड़ी देर में धूप। क्या पता ही नहीं लगता इंद्रदेव को क्या मेहरबानियाँ कर रहे हैं शिमला पे, समझ ही नहीं आती। ये स्कैंडल पॉइंट है सामने। अब यहाँ से ना, अब बस इधर ही से मैं डीसी ऑफिस से होते हुए नीचे उतर जाऊँगा ओल्ड बस स्टैंड से बस लूँगा और सीधा अपने घर। तब तक कि लास्ट के जाते जाते वाले नज़ारे हैं, नज़ारे इन्जॉय करो। वो जो लेफ्ट में देख रहे हो ना सिटी पॉइंट, यार मतलब ऐसा लगता है कि शिमला में बर्गर्स वगैरह पहले यहीं मिला करते थे, यहीं से शुरुआत हुई थी ये सब फास्ट फूड की, थोड़ी उसके बाद फिर और जगहों पे भी मिलने लगे। पर ये बहुत पुराना है सिटी पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा। ये सामने टेलीफोन एक्सचेंज, ये सामने को आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा डीसी ऑफिस है, और नीचे कमांड का एरिया। ये पहुँच गया जी भाई अपने एरिया में मैं, और शाम को देखो हल्का हल्का सनसेट, क्या मज़ा आता है ना इसका यार। सनसेट्स तो मतलब पहाड़ के, वो भी शिमला के, हो मोस्ट ब्यूटीफुल साइट है। इतने अमेजिंग सनसेट्स होते हैं मैं आपको क्या बताऊं। चलो आई होप आपने ये छोटा सा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। इसी तरह मैं डेली आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा और आपको लाइव अपडेट्स दूंगा शिमला की, कि शिमला में क्या चल रहा है भाई, क्योंकि शिमला में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। चलिए फिर इसी बात पर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो। ठीक है भाई, फिर ओके, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।